Hi, welcome to my channel. It's between solving solve question number 1. Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उन सब का टर्म्स बताना है कि कौन कौन टर्म्स हैं और जो टर्म्स होंगी उनके कोफिशेंट बताने हैं. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टर्म्स का कोफिशेंट बताना है. ठीक है, ओके. तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ टर्म. ठीक है, टर्म का मतलब ये होता है कि जब कांस्टेंट फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स को जब एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो बनता है एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड अ टर्म. लाइक दिस वन, यहाँ पर क्या किया गया है, 7xx into y into z, सबको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर, तो दिस इज अ टर्म. यहाँ पर देखिए 5xy 5 into x into y और माइनस को भी साथ में ले करके हम बोलेंगे माइनस 5xy इज आल्सो अ टर्म. तो टर्म्स में क्या होता है कि बस फैक्टर्स जितने भी होते हैं सब मल्टीप्लाइड रहते हैं और दो टर्म्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं प्लस और माइनस साइन से. ठीक है, दिस इज अ टर्म डेफिनेशन. एंड कोफिशियंट यहाँ पे बोला है, देखिए देयर कोफिशियंट बोला है, मतलब कि टर्म्स को बताना है और उनके कोफिशियंट को बताना है. तो जब आपको टर्म्स के कोफिशियंट बताना हो तो केवल आप कांस्टेंट फैक्टर्स को दिखाएंगे. ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि किसका कोफिशियंट चाहिए. जैसे कि यदि ये पूछा होता कि जेड का कोफिशियंट क्या होगा इसमें, है ना, इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म में जेड का कोफिशियंट क्या होगा, तो आप बताओगे 7x2y. लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है कि जो जितने भी टर्म्स हैं उनके कोफिशियंट को लिखिए. तो जब टर्म्स का कोफिशियंट लिखना होगा तो केवल कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, कांस्टेंट फैक्टर को लिखेंगे. ओके, कांस्टेंट फैक्टर ओनली. चलिए वन बाई वन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए 7x2yz, ये एक टर्म है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो टर्म्स आपके हैं, 7x2yz एंड माइनस 5xy. तो पहला टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर 7x2yz. यहाँ पर जो कोफिशियंट है इस टर्म का वो आपका 7 है. ठीक है, ओनली कांस्टेंट फैक्टर. माइनस 5xy यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका दूसरा टर्म है. साइन के साथ लिखना होता है बिल्कुल. ठीक है, जिस टर्म के आगे वाला साइन रहेगा उसी टर्म के साथ वो साइन जो है अटैच रहेगा. तो माइनस 5xy जो टर्म है इसमें कौन सा कांस्टेंट कोफिशेंट है, माइनस 5. यहां पर देखिए x2 + x + 1 में 3 टर्म्स हैं. यहां पर पहला जो टर्म है वो आपका है x2 कोफिशेंट क्या है, तो यहां पर देखिए कोई फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि 1 है यहां पर, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो 1 × x² तो कर ही सकते हैं. ओके, यहां पर है आपका दूसरा जो टर्म है वो x है, x का जो कोफिशेंट है ये भी यहां पर 1 होगा और 1 यहाँ पर है. देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो आपको सोचना इस तरीके से है कि जब कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर जो एक वेरिएबल के पावर में 0 है. ठीक है, ऐसे सोचना है कि वेरिएबल के पावर में 0 रहेगा तभी कुछ नहीं रहेगा. तो वेरिएबल वहाँ पर है लेकिन पावर उसका 0 है, दैट्स वाई उसको इग्नोर कर दिया गया है. तो आपको मन में ही विजुलाइज करना है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उसके आगे जो है एक वेरिएबल जरूर है लेकिन उसका पावर 0 है. तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये आप लिखेंगे, केवल 1 ही लिखेंगे, एक्चुअली 1 ही लिखिएगा आप. बस सोचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप सोचिएगा कि वेरिएबल का पावर यहाँ पर 0 है, सो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा इस टर्म का वो 1 ही होगा. ठीक है, जो ये कांस्टेंट टर्म है वही होगा. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं आपके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x2y2 पहला टर्म है और यहाँ पर जो कोफिशेंट है आपका है 3 है. सेकेंड टर्म इज -5x2y2z2. यहाँ पर जो कोफिशेंट है वो आपका -5 है. वेरिएबल्स को बिल्कुल नहीं लिखना है इधर, केवल कांस्टेंट टर्म. जेड स्क्वायर इज योर थर्ड टर्म एंड इस कोफिशेंट इज 1. नाउ द फोर्थ पार्ट, समझिए ध्यान से. 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 के आगे कोई कोफिशेंट नहीं है. तो ध्यान दीजिएगा, जब कोफिशेंट नहीं रहेगा तो आपको वेरिएबल नहीं है, जब कोई वेरिएबल नहीं रहेगा कांस्टेंट के आगे तो आपको समझना है कि कोई वेरिएबल जरूर है लेकिन वो छुपा हुआ है और उस वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है. तो यहाँ पर कोफिशेंट क्या होगा, मतलब टर्म तो हम 9 ही लिखेंगे लेकिन ये सोचेंगे कि 9 के आगे कोई वेरिएबल है और उसका पावर 0 है. तो यहाँ पर कोफिशेंट क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वही तो होता है कोफिशेंट, राइट. ओके, यहाँ पर सेकेंड आपका टर्म है -ab
और माइनस ए बी का जो कोफिशेंट है वो है आपका माइनस वन, ठीक है। बी सी इज योर नेक्स्ट टर्म एंड बी सी का जो कोफिशेंट वो क्या है, प्लस वन। सिमिलरली माइनस सी ए इज योर फोर्थ टर्म एंड इट्स कोफिशेंट इज माइनस वन। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बाई टू, ए बाई टू में जो पहला जो टर्म है वो आपका है ए बाई टू, ए बाई टू का जो कोफिशेंट होगा वन बाई टू होगा। सिमिलरली बी बाई टू होगा सेकेंड टर्म, बी बाई टू का जो कोफिशेंट होगा वो वन बाई टू होगा। एंड द थर्ड टर्म इज माइनस ए बी, माइनस ए बी का जो कोफिशेंट होगा वो माइनस वन होगा, ठीक है। 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y, यहाँ भी कोफिशेंट आपका जो टर्म है वो आपका है 0.2x और यहाँ पे जो कोफिशेंट होगा वो 0.2 होगा बिकॉज 0.2 इज अ नंबर। यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 0.3xy एंड इट्स कोफिशेंट इज माइनस 0.3। नाउ 0.5y इज योर लास्ट टर्म एंड दिस इज कोफिशेंट इज माइनस 0.5। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको बताना है टर्म एंड देयर कोफिशेंट्स, ओके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ टाइम भी मिलता रहे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।